ये देखती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कितने लंबे यात्रा की है, तो मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। ये उत्सव मनाने का विशेष अवसर है, जैसे हमने स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव। कल के दिन हम संविधान के प्रारंभ का उत्सव मनाएंगे। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। ये शब्द हमारे संविधान के मूल भाव अर्थात लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है, इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी शासन से मुक्त हो गया, लेकिन उस समय भी देश में सुशासन तथा देशवासियों में निहित क्षमताओं और प्रतिभाओं को उन्मुक्त विस्तार देने के लिए उपयुक्त मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करने का कार्य चल ही रहा था। संविधान सभा ने सुशासन के सभी पहलुओं पर लगभग 3 वर्षों तक विस्तृत चर्चा की और हमारे राष्ट्र के महान आधारभूत ग्रंथ यानी भारत के संविधान की रचना की। आज के दिन हम सब देशवासी उन दूरदर्शी जननायकों और अधिकारियों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमारा भव्य और प्रेरक संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था। हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। ये कर्तव्य आज़ादी के 100 वर्ष पूरी होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी का स्मरण होता है। बापू ने ठीक ही कहा था, जिसने केवल अधिकारों को चाहा है ऐसे कोई भी प्रजा उन्नति नहीं कर सकी है। केवल वही प्रजा उन्नति कर सकी है जिसने कर्तव्यों का धार्मिक रूप से पालन किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस हमारे आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों को स्मरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम उनमें से किसी एक बुनियादी सिद्धांतों पर चिंतन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी सिद्धांतों पर भी हमारा ध्यान जाता है। संस्कृति मान्यताओं और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र का अंतर्निहित आयाम है। हमारे विविधता का ये उत्सव समता पर आधारित है, जिसे न्याय द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये सब स्वतंत्रता की वातावरण में ही संभव हो पाता है। इन मूल्यों और सिद्धांतों की समग्रता ही हमारी भारतीयता का आधार है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के प्रबुद्ध मार्गदर्शन में प्रवाहित इन मूलभूत जीवन मूल्यों और सिद्धांतों में रची बसी संविधान की भावधारा ने सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय के मार्ग पर हमें अडिग बनाए रखा है। मैं ये उल्लेख करना चाहूँगी कि सामाजिक न्याय के लिए अनवरत युद्धरत रहे श्री कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी का उत्सव काल ही सम्पन्न हुआ है। कर्पूरी जी पिछड़े वर्गों के सबसे महान पक्षकारों में से एक थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जीवन एक संदेश था। अपने योगदान से सार्वजनिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए मैं कर्पूरी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
हमारे गणतंत्र के मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है, बल्कि सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है, जो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में अभिव्यक्त होता है। इस सप्ताह के आरंभ में हम सब ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। भविष्य में जब इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, तब इतिहासकार भारत द्वारा अपने सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। उचित न्यायिक प्रक्रिया और देश के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। अब ये एक भव्य संरचना के रूप में शोभायमान है। ये मंदिर न केवल जन जन की आस्था को व्यक्त करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में हमारे देशवासियों की अगाध आस्था का प्रमाण भी है। प्यारे देशवासियों, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार ऐसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जब हम अतीत पर भी दृष्टिपात करते हैं और भविष्य की ओर भी देखते हैं। पिछले गणतंत्र दिवस के बाद के एक वर्ष पर नज़र डाले तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। G20 से जुड़े आयोजनों में जन सामान्य की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन आयोजनों में विचारों और सुझावों का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर था। उस भव्य आयोजन से ये सीख भी मिली है कि सामान्य नागरिकों को भी ऐसे गहन तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे में भागीदार बनाया जा सकता है, जिसका प्रभाव अत्यंत उनके अपने भविष्य पर पड़ता है। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत के अभ्युदय को भी बढ़ावा मिला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संवाद की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व का समावेश हुआ। जब संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया तो हमारा देश स्त्री पुरुष समानता के आदर्शों की ओर आगे बढ़ा। मेरा मानना है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध होगा। इससे हमारे शासन की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। जब सामूहिक महत्व के मुद्दों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तब हमारी प्रशासनिक प्राथमिकताओं का जनता की आवश्यकताओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनेगा। इसी अवधि में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर उतरने वाला पहले देश बना। चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने एक सौर मिशन भी शुरू किया। हाल ही में आदित्य L1 के सफलतापूर्वक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। भारत ने अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट, जिसे एक्सपोसेट कहा जाता है, के प्रक्षेपण के साथ नए साल की शुरुआत की है। ये सेटेलाइट अंतरिक्ष ब्लैक होल जैसे रहस्यों का अध्ययन करेगा। वर्ष 2024 के दौरान अन्य कई अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाए गए हैं। ये प्रसन्नता के विषय है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में अनेक नई उपलब्धियां हासिल की जाने वाले हैं। हमारे प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की तैयारी सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। हमें अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों पर सदैव गर्व रहा है, लेकिन अब ये पहले से कहीं अधिक ऊंचे लक्ष्य तय कर रहे हैं और उनके अनुरूप परिणाम भी हासिल कर रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को और अधिक विस्तार तथा गहराई प्रदान करना है।
इसरो के कार्यक्रम के प्रति देशवासियों में जो उत्साह दिखाई देता है उससे नई आशाओं का संचार हो रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों ने युवा पीढ़ी की कल्पना शक्ति को नई फोंक दिए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चों और युवाओं में बड़े पैमाने पर विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ेगा तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। अंतरिक्ष विज्ञान की इन उपलब्धियों से युवाओं विशेषकर युवा महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपना कार्यक्षेत्र बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। सुदृढ़ और स्वस्थ अर्थव्यवस्था इस आत्मविश्वास का कारण भी है और परिणाम भी। हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की हमारी वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रही है। ठोस आकलन के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि ये असाधारण प्रदर्शन वर्ष 2024 और उसके बाद भी जारी रहेगा। ये बात मुझे विशेष रूप से उल्लेखनीय लगती है कि जिस दूरगामी योजना दृष्टि से अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त हुई है उसी के तहत विकास को हर दृष्टि से समावेशी बनाने के लिए सुविचारित जनकल्याण अभियानों को भी।